हेलो सर, माय नेम इज़ मयंक, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। हाय मयंक। आज मुझे आपको लाइव देख करके बड़ी खुशी हो रही है। आज तक मैंने आपको स्टोरीज में फॉलो किया है, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, पर बिलीव मी, आई रियली अप्रिशिएट। और मैं आज अपने आप को बहुत लकी समझ रहा हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है अपने प्लेटफॉर्म पे कि मैं आपसे लाइव सवाल पूछ सकूँ। तो सर, मेरा क्वेश्चन मेरा लव लाइफ से है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आता है जिसके लिए आप कुछ प्लान करते हो कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं उसके लिए, क्योंकि आप उसके साथ रहना चाहते हो, और स्टिल वो इंसान आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहता है कि उसे किसी ना किसी चीज़ से मूव ऑन करना है। तो आप ये बोलना चाहते हो कि कोई दूसरा पर्सन है जो अपनी लाइफ से मूव ऑन करना चाहता है, अपने पुराने ब्रेकअप से मूव ऑन करना चाहता है, वो आपकी एब्सोल्युटली लाइफ में आ रहा है और आप बहुत सारे चेंजेस, फ्रीक्वेंट जो बड़े चेंजेस हैं वो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप उसकी लाइफ में सेट होते हो। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, तो पहली बात ये है कि यार आपको ये समझना है, पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या आता है कि दूसरा बंदा अपने एक्स से उभरने की कोशिश कर रहा है, अपने पास से उभरने की कोशिश कर रहा है। मे बी यू आर हेल्पिंग हर कि आप वो उस जो सिनेरियो है वो उससे निकल जाए। ठीक है, पर पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है, क्या उसके बाद वो आपके साथ रहेगा? अगर वो उसके साथ, देखो क्या है कि इंसान आपको प्यार करता है या नहीं करता है वो अपने आप को शायद बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली भी और मेंटली भी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी अगर इमोशनली और मेंटली वो आपको बिजी रखने, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका यूज कर रहा है। अग्री। समझ रहे हो? सेकंड चीज जो आपका दूसरा पॉइंट है कि मैं उसके लिए बदल रहा हूं। आप समझ रहे हो कि आपको अपने लिए बदलना है, आपको जिंदगी में अपने आप को अपग्रेड करना है, अपना बेस्ट वर्जन निकालना है ना, तो आपको अपने लिए बदलना है। ठीक है, किसी और के लिए बदलोगे मतलब वो बदलाव आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है। सपोज कि मैं आपको बोलता हूं कि यार मयंक, मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ना आप बॉडी बिल्डर अच्छे लगते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, आप मेरे लिए कि भाई बाबा ने बोला है अब मैं बॉडी बनाऊंगा, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर एज अ पर्सन आपको एक लीन बॉडी पसंद है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि थिक बॉडी बिल्डर टाइप बनना है आपको। उससे क्या होगा, आप थिक बॉडी बिल्डर टाइप तो बनोगे पर आप खुश नहीं रहोगे, और अल्टीमेट जो लाइफ का एम है ना वो है खुश रहना। तुम समझ रहे हो, हम इतना कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, काम कर रहे हैं, पढ़ते लिखते कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? खुशी के लिए तो कर रहे हैं। अगर अग्री सर। खुशी नहीं हो अल्टीमेटली, आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप उसको खुश देख के कब तक खुश रह रहे हो? ठीक है, आप चेंजेस करो, आप जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है, पर पॉइंट ये है कि वो बदलाव आप अपने लिए करो, ठीक है, जो आपके लिए सही हो। और उस इंसान को आपको ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप बदल गए, आपने खुद को तो बदल लिया, कल को आपको रिग्रेट नहीं हो उस चीज पे कि यार मैंने अपने उसके लिए इतना किया पर वो इंसान ने तो। समझ रहे हो आप मेरी बात? जी सर। तो पॉइंट ये है कि आप बदलो खुद को, पर अपने आप के लिए।